कोई भी स्किन का इशू है आई थिंक वो एरोमाथेरेपी उसको वहाँ पे कवर कर लेती है। कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक फूड्स हैं जो कि आप ले सकते हैं अपनी डेली यूज में, जिससे आप वेट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं? लड़कियों के एक्ने का बहुत इशू होता है, पिगमेंटेशन का इशू होता है, एक्ने तो खत्म हो जाती है, उसके स्पॉट्स रह जाते हैं, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि लड़कियाँ क्या यूज करें? इस वक्त जो पुलिस अफसरान हैं और इसके अलावा फील्ड में जो जवान काम कर रहे हैं 24/7, बड़ी हैक्टिक जॉब होती है, आप काम करते हैं, नींद का प्रॉब्लम हो जाता है, इसके अलावा एंजाइटी भी हो जाती है, स्ट्रेस भी आप आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है अरोमा के थ्रू, या आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह पहचान की जाए कि खालिस शहद कैसा होता है, और किस तरह हम एक कोई तरीका है कि पता चल जाए कि ये खालिस शहद है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा अवान, और मैं हूं मोहम्मद फैक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमतें वे पाया से आपका दामन उम्मीद भर दे, और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। आज के शो में क्या है? आज के शो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आजकल के दौर में जब हमने देखा कि कोविड से हम गुजरे और हम तरह तरह की बीमारियों को फेस कर रहे हैं, तो हम जो हैं वो एलोपैथिक से ज़्यादा अब हम जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ आ गए, और अब हम अवेयर हो गए हैं कि जो चीज़ हम खा रहे हैं, जो चीज़ हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ हम अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो टोटली ऑर्गेनिक है, वो बिल्कुल कुदरती है? तो इस चीज़ के बारे में ना फाइक अब ज़्यादा हम अवेयर हो गए और कॉन्शियस भी हो गए, और होना भी चाहिए कि जो हम चीज़ें खा रहे हैं या जो चीज़ें हम रोज़मर्रा अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो किस उसके क्या मटेरियल है, वो ऑर्गेनिक भी हैं। और दूसरी बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो मैंने भी पहली बार सुनी है, वो है एरोमाथेरेपी। एरोमाथेरेपी क्या है, किस तरह से उसका आप जो है आपकी आपको पता है एरोमाथेरेपी क्या होती है, और आपकी डिफरेंट बीमारियों का इलाज भी है वो एरोमाथेरेपी। एरोमाथेरेपी होती क्या है? ये शायद सस्पेंस मुझे भी था कि एरोमा थेरेपी होती क्या है। तो एरोमा का मतलब खुशबू है, तो डिफरेंट खुशबू के जरिए जो है वो आपके डिफरेंट बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी फाइक मेरे लिए, मैंने फर्स्ट टाइम सुना, और आज जो है वो मेरे साथ ऑर्गेनिक एक्सपर्ट और एरोमा थेरेपिस्ट भी मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। उनका नाम है जी नजम मजारी, और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो एरोमा थेरेपी मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में सुना, ये क्या होती है, और वाकई इसके ज़रिए जो है कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन है? जी, जो अरोमा थेरेपी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अरोमा थेरेपी का मतलब क्या है। जो अरोमा वर्ड है उसको कहते हैं खुशबू को, महक यानी खुशबू, महक अरोमा, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज अगर आप खुशबू के थ्रू करना चाहें तो उसे आप अरोमा थेरेपी कहते हैं। अच्छा, ये ऑर्गेनिक के अंदर ही एक इसकी टर्म यूज़ होती है अरोमा थेरेपी के अंदर। और जो अरोमा थेरेपी है ये असल में कोई सदियों पुरानी है, और जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे इब्न सीना, बोली सीना जिसे आपके नाम से मशहूर हैं, इब्न सीना, ये उन्होंने ईजाद की थी, यानी मुसलमानों की ही इन्वेंशन है। उन्होंने एक जो बादशाह था उसका इलाज किया था और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद ये फिर इस तरह से फैलता हुआ इंडो पाक में आया, और इंडिया में बड़ा इस पर काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लेवल पे इस पर अब काम शुरू हो गया है। इसमें जी जो ज़्यादा काम जो हो रहा है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वेट लॉस के ऊपर, इस तरह की चीज़ों पे हो रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी पे काफ़ी अच्छे लोगों को इस पर फीडबैक मिले हैं। लेवेंडर ऑयल एक बहुत ज़बरदस्त ऑयल होता है, वो लोग उसे यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेस एंजाइटी से निकल रहे हैं। उसका यूज़ ये होता है कि आपने वो ऑयल लेना है लेवेंडर, उसके 2-3 ड्रॉप्स आपने अपने जो तकिया है या बिस्तर है उसके ऊपर आपने लगा देना है डेली, या 100 ml पानी के अंदर 2-4 ड्रॉप्स आप करके उसको शेक करके अपने रूम में स्प्रे कर दें, तो वो नींद के लिए भी अच्छे हैं, आपकी नींद भी ठीक हो जाती है। क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी का जो लिंक है, जो रिलेशन है, वो नींद से भी है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो वो स्ट्रेस एंजाइटी को ज़्यादा बढ़ा देती है वो चीज़। तो अगर आपकी नींद बेहतर होगी तो ही आगे आपकी जो है ना पूरा दिन अच्छा गुजर सकता है। तो वो नींद जब आपकी बेहतर होगी तो स्ट्रेस एंजाइटी ऑफकोर्स उस दिन ही अगर कोई ऐसी चीज़ आती भी है तो वो उसको ओवरकम कर देती है। इसके अलावा और कौन कौन सी डिजीज है जिसका इलाज किया जा सकता? देखिए, जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये 100% प्योर होते हैं, तो ये कॉस्मेटिक्स ग्रेड भी होते हैं, फूड ग्रेड भी होते हैं। आप इसे फूड में अगर यूज़ करना चाहें तो काफ़ी बेकरी के आइटम्स में भी यूज़ हो सकती हैं, और कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होते हैं। कॉस्मेटिक्स मतलब एक्नी का, अगर कोई डिजीज, एक्नी का, पिंपल्स का कोई इशू है तो उसके लिए आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, उसके लिए आप ऑलमंड ऑयल के साथ जो है ऑरेंज ऑयल, सिट्रस फैमिली के जितने भी होते हैं ये पिगमेंटेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें लेमन है, ऑरेंज है, और ग्रे फ्रूट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बालों में फंगल है, कोई इस तरह की डैंड्रफ है, उसमें कैस्टोर के साथ जो है आप लेमन ग्रास को ऑयल को आप यूज़ कर लें, या जेरेनियम को भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ऑयल्स हैं और डिफरेंट पर्पज़ है, यानी कि कोई भी स्किन का इशू है आई थिंक वो एरोमाथेरेपी उसको वहाँ पर कवर कर लेती है।
इसका कुछ जो तरीका कार है, किस तरह से ये बनाते हैं या किस तरह से यूज करते हैं, ये हमें मिल जाता है अगर इजीली? ये इजीली मार्केट से है या बेटर है, क्योंकि जो अरोमा थेरेपी की जो ऑडियंस है, जो उसकी क्लास है, वो सारे यूजर ऑनलाइन है। अगर आप ऑनलाइन जाके आप सर्च करें कोई भी ऑयल आप देखना चाहें तो आपको काफी वेबसाइट नजर आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऑनलाइन अगर नहीं जाना चाहते, ऑनलाइन अगर नहीं जाना चाहते तो फिर ये कि जो आपके खास पर लाहौर के जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे अगर आप विजिट करें तो वहाँ को आपको डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक फूड्स हैं जो कि आप ले सकते हैं अपने डेली यूज में, जिससे आप वेट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे वेट लॉस पे। वेट लॉस पे जो सबसे मेन इन्ग्रीडियंट जो आजकल मार्केट में बड़ा यूज भी हो रहा है वो हो रहा है चिया सीड। अच्छा, उर्दू में इसको इसका नाम नहीं है, इसको इंग्लिश में चिया सीड ही कहते हैं। और ये चिया सीड का बड़ा अच्छा एक यूज़ हो रहा है। अब इसकी टेक्निक क्या है, ये आपका वेट कैसे है आपका कम करते हैं? देखिए, अगर आपने वज़न कम करना है, वेट कम करना है, तो उसका एक ये है कि आपने डाइट पे कंट्रोल करें। तो डाइट पे आम लोगों का अमूमन कंट्रोल नहीं होता, तो चिया सीड एक ऐसी वो सीड्स हैं, बीज होते हैं कि जब वो आप कंज्यूम कर लें उसे सुबह के टाइम, तो आपको ऐसे फील होता है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा खाया, आपका पेट भरा भरा रहता है। जब पेट आपका भरा भरा रहता है तो डेफिनेटली आप कम खाएंगे। तो इसकी टेक्निक ये है कि वेट आपका ऐसे कम होता है। चिया सीड में कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको वेट कम करे, लेकिन वो ऐसे के फील होता है जैसे आपने बहुत कुछ खा लिया। फुलफिलमेंट होती है कि नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ है। तो अगर आप चिया सीड को दिन में 2-3 दफा कंज्यूम कर लें, खाने के बाद भी थोड़ा बहुत खा लें, तो ये होता है आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना आप खाना भी कम कंज्यूम खाना कम खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वेट कंट्रोल। अच्छा, ये कितने चम्मच एक दिन में ले सकते हैं? ये अगर आप दिन में 3 दफा कंज्यूम कर रहे हैं तो हर टाइम एक एक चम्मच आप ले सकते हैं। एक जो टेबल स्पून है, टी स्पून छोटा होता है, जो टेबल स्पून होता है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा भी कर लें तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। और वेट गेन में जो है ना वो हम ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं मोरिंगा। मोरिंगा में क्योंकि सारे जितने भी आपके नेचुरल जो प्रोटीन्स है, जितने भी कैल्शियम है, विटामिंस, मिनरल्स, वो सारे उसके अंदर मौजूद है। तो उसे अगर आप यूज़ करें, हाँ मोरिंगा थोड़ा खाने में कड़वा होता है, तो जिसको अगर थोड़ा सा इशू हो तो हम उसे रिकमेंड करते हैं कि आप दही के साथ मिला के खा सकते हैं, या उसको दूध में मिक्स करके, या चावलों के ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल करके आप खा सकते हैं। इवन कि अब तो इसकी मार्केट में जो वो टैबलेट्स में आना शुरू हो गए, पाउडर के टैबलेट्स बन के, भी कड़वा होता है तो बहुत से लोगों को ज़रा टेस्ट उसका पसंद नहीं होता। तो इस तरह आप कंज्यूम करें और ये आपके वेट गेन में काफ़ी हेल्प करते हैं। कैल्शियम की बात अभी आपने की है जी। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने से, उनके दांत अक्सर खराब हो जाते हैं 1 साल में या 2 साल में, वो क्या वजह होती है, उसके लिए क्या चीज़ यूज़ की जा सकती है ऑर्गेनिक जी? उसके लिए जो है ना मैं अक्सर लोगों को रिकमेंड करता हूँ लोटस सीड, जिसको उर्दू में आप कहते हैं फूल मखाना। अच्छा। जो लोटस सीड होता है उसका वो पाउडर बनता है, तो उस पाउडर को आप बच्चे को या अपने बुजुर्ग हर बंदों को आप दे सकते हैं। उसमें कैल्शियम है और उसका तरीक़ेकार इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है कि आपने जो है 1 टीस्पून पाउडर का लेके चाय में या दूध में या दही के साथ किसी भी चीज़ मिक्स करके आप दे दें बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्ग, हर तरह की, हर एज का बंदा उसे खा सकता है। अच्छा, ये जो नज़म साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये जो लेडीज़ में आफ्टर जो है 40 ईयर्स के बाद कैल्शियम की कमी, क्या वो भी ये ले सकती हैं? जी, उनके लिए भी अच्छा है। और उनके लिए अगर बड़ी, अगर 40+ हैं, तो उसके लिए एक और इंग्रेडिएंट यूज़ होता है जिसको इंग्लिश में पलाश कहते हैं, उर्दू में उसको कहते हैं कमरकस। अच्छा। मतलब नाम से ही जाहिर है कमरकस, यानी कि वो 40+ लोगों के लिए होता है जिनको बैक पेन का इशू हो या जॉइंट्स का हो, तो उसके लिए वो जो है कमरकस, इंग्लिश में से पलाश कहते हैं। अच्छा। वो आप कंज्यूम करें। अच्छा, जितने भी पाउडर्स होते हैं इनका जो यूजेज है सेम ही है, वो पाउडर फॉर्म में होते हैं क्योंकि उनको पाउडर बनाना ज़्यादा बना के ज़्यादा ईजी कंज्यूम होता है। तो उसे आप दूध में डाल दें, आप लोग चाय में भी डाल देते हैं, लोग डेजर्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ही रहती है। हाँ, उसकी उतनी रहती है। हाँ, नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं होती क्योंकि आप ज़्यादा उसे बॉयल गर्म नहीं कर रहे ना। आपने ऑर्गेनिक चीज़ को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ज़्यादा हीट नहीं देनी। आप हीट देंगे तो उसकी न्यूट्रिशन डेड हो जाएगी। तो उसे हम कहते हैं कि जब भी आप उसे कंज्यूम करें उसी के ही जो टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर में उसे आप कंज्यूम कर लें। अच्छा नजम साहब, थोड़े कॉस्मेटिक्स की तरफ आते हैं। लड़कियों के एक्ने का बहुत इशू होता है, पिगमेंटेशन का इशू होता है, एक्ने तो खत्म हो जाती है, उसके स्पॉट्स रह जाते हैं, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि लड़कियाँ क्या यूज़ करें? जी, उसका अरोमा थेरेपी में तो ऐसा कोई ऑयल्स हैं लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं है। अगर आप सिंपल ऑयल्स की तरफ जाएं, जो ऑलमंड ऑयल है, बादाम का तेल है, वो क्योंकि उसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई क्या करता है, आपकी स्किन को एक मतलब उसमें स्किन में ऑक्सीजन क्रिएट करता है। ठीक, तो आप ऑलमंड ऑयल, जो बादाम का, अगर आपको खालिस कहीं से मार्केट से मिल जाए तो अगर आप वो स्किन पे लगाएं तो वो काफ़ी जो होते हैं स्पॉट्स, स्कार्स को ठीक कर देते हैं। इसके अलावा एक और ऑयल है जिसको आप नॉर्दर्न एरिया से आपको मिल सकता है, जिसको कहते हैं सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न ये वाहिद ऑयल है जिसके अंदर ओमेगा 7 है। ओमेगा 7 सिर्फ 2 ऑयल्स में होता है, एक फिश ऑयल में होता है और एक सीबकथॉर्न में। फिश ऑयल लोग कंज्यूम नहीं करते, लगाते नहीं, क्योंकि फिश ऑयल की ना स्मेल बहुत उसकी डिस्टर्बिंग सी स्मेल होती है। अच्छा। तो लोग पसंद नहीं करते। ठीक, ठीक। तो अगर ओमेगा 7 दूसरा अगर प्लांट में आप देखना चाहें तो वो सिर्फ सीबकथॉर्न में है। नॉर्दर्न एरिया में चले जाए, उसकी बेरीज है, उसका आप तेल निकालें, उसे आप यूज़ करें तो वो एक स्किन में, क्योंकि ओमेगा 7 यानी कि स्किन को, जिस तरह हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमारे स्किन को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अक्सर लोग आप देखोगे स्किन को स्टीम दे रहे होते हैं पोर्स ओपन, ताकि
स्किन में ऑक्सीजन लेवल जो है मेंटेन रहे। तो इसी तरीके से अगर आप वो सीबकथॉर्न ऑयल या आलमंड ऑयल यूज करें तो वो स्किन के कोई भी इशू मुझे नहीं लगता। अच्छा, आलमंड ऑयल और सीबकथॉर्न ऑयल आप जो है वो रात को इजीली तो एक या दो कतरे दो दो तीन ड्रॉप आप लेके लगा के सो जाएं सुबह आपको। अच्छा, और टी ट्री ऑयल किस लिए यूज होता है? जी, टी ट्री ऑयल जो है वो तो क्योंकि एरोमाथेरेपी की एक उसमें आ जाते हैं, तो और जो ट्री ट्री ऑयल है क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, प्योर होता है, तो जितने भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये आपने प्योर अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करने होते। ठीक ठीक ठीक। इसका तरीकेकार इस्तेमाल ये है कि इसके दो से तीन ड्रॉप्स आपने आलमंड ऑयल के साथ मिक्स करके आपने यूज़। अच्छा, ऐसा हो कि किसी कोई भी लड़की जो है उसे एक्ने का प्रॉब्लम है तो वो दो कतरे टी ट्री ऑयल के लिए, बाकी दो या तीन कतरे आलमंड ऑयल उससे मिक्स करके फिर मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा सकती, क्योंकि हाँ प्योर आप नहीं लगा सकते। नजम साहब, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में इस वक्त जो पुलिस अफसरान हैं और इसके अलावा फील्ड में जो जवान काम कर रहे हैं 24/7, बड़ी हैक्टिक जॉब होती है, आप काम करते हैं, नींद का प्रॉब्लम हो जाता है, इसके अलावा एंजाइटी भी हो जाती है, स्ट्रेस में भी आप आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है अरोमा के थ्रू, या आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी, जितने भी हमारे पुलिस लोग हैं भाई हमारे, इनका जो मेन आता है एक तो नींद का इनका बड़ा इशू होता है क्योंकि लेट नाइट इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। मैंने कहा ना, जब अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो समझे कि आपका अगला पूरा दिन आपका डिस्टर्ब रहता है। तो उसका यही होता है कि सबसे पहले तो हम जितने भी पुलिस वाले होते हैं, मुझे अक्सर भी कॉल्स आती है, तो उनको मैं लेवेंडर ऑयल ही सजेस्ट करता हूँ कि आप लेवेंडर ऑयल ले लें, उसके एक से दो ड्रॉप्स जो है ना वो आप अपने जो तकिया पिलो इस पर लगा लें, तो आप कुछ दिनों में आप देखेंगे, अगर आप बेशक 4-6 घंटे के लिए भी सो रहे हैं तो 4-6 घंटे आप प्रॉपर सोएंगे, उसमें छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई दरवाजे की कोई नोक हो रहा है, पंखे का या इस तरह के जो शोर होते हैं वो आपको फील नहीं होते, तो उसमें जो है लेवेंडर ऑयल हम उनको सजेस्ट करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि वो हम उन्हें खाने के लिए भी कुछ देते हैं, कंज्यूम भी की जाए, उसमें हम देते हैं उनको अश्वगंधा। अच्छा। जिसको पाकिस्तान में, यहाँ पे इंडिया में उसे अश्वगंधा कहते हैं, पाकिस्तान में उसे आशू कहते हैं, तो आशू का पाउडर होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार इस्तेमाल भी सेम ही है, आप दही के साथ, दूध के साथ या किसी भी डेजर्ट में मिक्स करके आप यूज कर, एक चम्मच आप उसका एक दिन में आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिन्होंने यूज़ किया बड़ा अच्छा हमें फीडबैक दिया है कि ये आशू पाउडर से और लेवेंडर से जो है ना काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद के और हेल्थ के जो काफ़ी इशूज़ हैं। अच्छा नजम साहब, ये नींद और एंजाइटी के अलावा एक जो दो बहुत बीमारियाँ कॉमन देखी जाती हैं पाकिस्तान में, वो बीपी और शुगर का मसला, हाई कोलेस्ट्रॉल का भी मसला होता है, इससे किस तरह निपटा जा सकता है और कौन कौन सी ऑर्गेनिक फूड आप सजेस्ट करेंगे? जी, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ उसमें जो सीड्स काफ़ी हैं वो मैं रिकमेंड करता हूँ, उसमें जो है ना पम्पकिन, कद्दू। अच्छा। कद्दू का जो बीज है ना, ये हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, इसका पाउडर होता है, पाउडर जैसे आप यूज़ कर लें आप, क्योंकि ये एक टेस्टी पाउडर होता है, तो आप वैसे डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते। अच्छा। हैं लाजमी नहीं कि आप किसी से मिक्स करके आप डायरेक्ट से कंज्यूम कर लें, तो पम्पकिन जो है सीड उसका वो कर सकते हैं, चिया का जो चिया सीड का मैंने बताया ये भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और अलसी का बीज जो है वो भी आप यूज़ करें, यानी इनका पाउडर बना लें और इसका डेली एक दो चम्मच आप खा लिया कर, वैसे करके आप कंज्यूम कर सकते हैं, किसी चीज़ में मिक्स कर लें तो भी ठीक है, वरना डेली एक चम्मच आप जो पम्पकिन है, कद्दू है उसका बीज और चिया सीड और जो है अलसी के जो बीज हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लोगों के। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, मैं वो लास्ट भी क्वेश्चन ये होगा, वो हनी का था। हम जो मार्केट से हनी लेते हैं या वो सर्दियाँ आती हैं तो वो जम जाता है और हम कहते हैं कि ये प्योर हनी नहीं है या ये शहद जो है वो खालिस नहीं है, किस तरह पहचान की जाए कि खालिस शहद कैसा होता है और किस तरह हम एक कोई तरीका है कि पता चल जाए कि ये खालिस शहद है? जी, शहद के मुतालिक जो है ना मार्केट में काफ़ी जो है ना वो मिसकंसेप्शन है कि जी जो शहद जम गया है वो खालिस नहीं है या उसमें चीनी है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं, ये जो जमना होता है इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो क्रिस्टलाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे ही मौसम या आप उसे फ्रिज में रख दें या जैसे सर्दियाँ आने शुरू हो जाएंगी तो शहद जमने की तरफ जाएगा, तो अगर ये शहद जम रहे हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो मार्केट में अच्छा कुछ शहद ऐसे भी हैं जो कहीं नहीं जमते, तो उसको बचने के लिए कंपनीज़ क्या करते हैं, ब्रांड्स क्या करते हैं कि उसको हीट कर देते हैं। जब आप उसको हीट करते हैं तो उसके बाद जमता नहीं है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस है, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी डैमेज हो चुकी हैं, आप शहद कंज्यूम कर रहे हैं आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा उसका। और इसकी पहचान यही है कि वो देखें जो प्योर होगा जाहिर सी बात है वो जमेगा सर्दियों में, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन नॉर्मल प्रोसेस है। और सेकेंड है कि और बहुत से उसके टेस्टिंग के देसी तरीके हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं शहद का एक चम्मच छत पे जाके कहीं से कोने पे रख देते हैं, तो घंटे दो घंटे बाद देखते हैं क्या उसके ऊपर शहद की मक्खियाँ आ रही या नहीं आ रही, तो अगर 100% प्योर शहद होता ना तो उस पर मक्खी शहद की, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में हमेशा मक्खियाँ मौजूद होती हैं शहद की मक्खियाँ, तो वो लाजमी उसके ऊपर आ जाती हैं। ठीक, ठीक, और अगर 1% भी उसमें मिक्सिंग होगी, मिलावट होगी, तो शहद की मक्खी उसके ऊपर नहीं आएगी, दूसरी मक्खियाँ नजर आ जाएंगी लेकिन जो शहद की मक्खियाँ वो नहीं आएगी उसके ऊपर। तो ये एक देसी तरीका है जो अक्सर लोग अपने घरों में ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करें, होपफुली आपको भी उसे आइडिया हो जाए। थैंक यू सो मच नजम साहब।
बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से अरोमा थेरेपी से बहुत सारी बीमारियों से निपटा जा सकता है। नए मौजूदात के साथ, नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, और जाते जाते आपको बताते चलें कि आप लोग हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे और इमशा को दीजिए इजाज़त, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।